नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के खिलाफ 3 चालान जारी किए गए हैं। ये तीनों चालान ट्रैफिक पुलिस ने जारी किए हैं। खबरों के अनुसार मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में रोहित शर्मा तेज रफ्तार में अपनी कार चला रहे थे, इसी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। वनडे विश्व कप 2023 में भारत का बांग्लादेश से मुकाबला हो रहा है। रोहित शर्मा अपनी निजी कार से पुणे जा रहे थे, इसी दौरान उन पर ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर 3 चालान किए गए हैं। यातायात अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि रोहित शर्मा काफी तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। उनकी कार की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक और कभी कभी तो 215 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। उनकी लापरवाही से गाड़ी चलाने के परिणाम स्वरूप उनके वाहन पर 3 ऑनलाइन ट्रैफिक चालान जारी किए गए हैं। इस घटना ने क्रिकेट प्रेमियों और यातायात अधिकारियों के बीच चिंता बढ़ा दी है। एक फैन ने सुझाव दिया है कि उन्हें पुलिस स्क्वाड के साथ टीम बस में यात्रा करनी चाहिए। तेज रफ्तार के प्रति रोहित के प्रेम के बावजूद विश्व कप के दौरान प्रशंसक अपने कप्तान की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। रोहित शर्मा की लैम्बोर्गिनी कार की नंबर प्लेट में 264 लिखा है। यह वनडे में उनका सर्वोच्च स्कोर भी है। भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को भी तेज रफ्तार का शौक है। वह पिछले साल दिसंबर के महीने में अपनी मां से मिलने रुड़की जा रहे थे। इस दौरान उनकी कार गंभीर हादसे का शिकार हुई थी। इस हादसे में पंत की जान बाल बाल बची थी। इस हादसे को लगभग 1 साल होने वाला है, लेकिन अब तक पंत वापसी नहीं कर पाए हैं। वह आईपीएल 2023 के अलावा टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी नहीं खेल पाए और उनकी टीम को नुकसान झेलना पड़ा। वनडे विश्व कप 2023 में भी पंत नहीं खेल रहे हैं, उनकी जगह ईशान किशन को मौका दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज कुतुब नगर सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण।